रेसिप्रोकल क्रॉस मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना एक्स का रेसिप्रोकल वन अपन एक्स तो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस देखते हैं मान लीजिए एक क्रॉस है जिसमें कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया है जिसमें ये फीमेल पेरेंट थे और ये मेल पेरेंट थे अब गेम बनेगा कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी और रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी यानी सभी के सभी टॉल होंगे टॉल और डॉर्फ का क्रॉस हुआ टॉल फीमेल पेरेंट और डॉआार्फ मेल पेरेंट अब हम क्या करें उल्टा कर दें इसका क्रॉस यही रहेगा लेकिन इसको मेल पेरेंट और इसको फीमेल पेरेंट कर दें कैसे करेंगे इमेस्कुलेशन करके करेंगे कैसे करेंगे इमेस्कुलेशन करके करेंगे इसका एंथर रिमूव कर देंगे तो सिर्फ फीमेल पार्ट बचा और इसका पालन करें एंस्पलेंट करा देंगे लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा रिजल्ट तब भी यहाँ पे कैपिटल टी गमिट बनेगा यहाँ पे स्मॉल टी बनेगा और जब रिजल्ट आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि सारे के सारे टॉल होंगे और इधर भी टॉल होंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो रेसिप्रोकल क्रास का मतलब क्या है क्रॉस इन विच द सेक्स ऑफ या ये कह सकते हो टू क्रॉसेस टू क्रॉसेस टू क्रॉसेस टू क्रॉसेस इन विच द सेक्स ऑफ पेरेंट्स इज रिवर्स्ड दोनों पेरेंट्स के सेक्स को रिवर्स कर दिया जाए जो पहले मेल था उसको फीमेल बना दिया गया जो फीमेल था उसको मेल बना दिया गया तो यहां पे देर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आया और ये इसको भी मेंडल ने ही परफॉर्म किया था अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने परफॉर्म किया था तो वो लकी थे लकी किस मामले में थे क्योंकि इन दोनों करेक्टर्स के जो मतलब ये जो करेक्टर उन्होंने जितने भी कैरेक्टर स्टडी किया दो नहीं बल्कि जितने भी स्टडी किए उनके जीन ऑटोसोम्स पे लोकेटेड थे ऑटोसोम्स पे लोकेटेड थे बाई सेक्सुअल प्लांट है मटर पी प्लांट तो वहां पे सेक्स क्रोमोसोम का ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं लेकिन ऑटोसोम पे लोकेटेड थे तो उनको ऐसे ही रिजल्ट मिले कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आया लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम पे जीन है तो सेक्स चेंज करने से फर्क पड़ेगा और अगर कहीं ऑर्गेनेल का जीन है ऑर्गेनेल का जीन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का या फिर प्लास्टिक का तो भी फर्क पड़ेगा ठीक है क्यों पड़ेगा देखते हैं रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस डू नॉट चेंजेस ओनली When genes are located on autosomes, if genes are located in organelles, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जो आर्गेनेल्स हैं देन देअर में भी चेंज इन रेजल्ट चेंज इन रेजल्ट देखिए मान लीजिए ये सेल है कोई इसके अंदर न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है अब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे और ये साइटोप्लाज्म है सीफार साइटोप्लाज्म यहां पे आर्गनेल होंगे ऑर्गेनेल दो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा और अगर प्लांट है तो प्लास्टेड्स भी होंगे ये ये होंगे, प्लास्टेड किसी भी कलर के हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होंगे लेकिन अब ध्यान रखना है देखिए न्यूक्लियस चाहे ये मेल गेमीट हो चाहे फीमेल गेमीट हो दोनों फ्यूज करेंगे न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम लेकिन ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है इनका इनहेरिटेंस जनरली होता है मैटर्नल पेरेंट की तरफ से किसकी तरफ से मैटर्नल पेरेंट की तरफ से अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम दोनों गेमिट्स को बना लेते हैं दोनों गेमिट को ड्रा करते हैं ये है आपका फीमेल गेमिट इसमें ये न्यूक्लियस है और यहां पे ऑर्गेनेल्स हैं ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और ये मान लीजिए प्लास्टिड्स हैं ये प्लास्टिड है या माइटोकॉन्ड्रिया है दूसरा क्या है मेल गेमिट है इसको आप फीमेल गेमीट मान लो इसको फीमेल गेमीट मान लो ये फीमेल का न्यूक्लियस है ये ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म है दूसरा मेल गेमीट क्या होता है कंपेरेटिवली पहली बात तो बहुत छोटा होगा इसके कंपेरिजन में और न्यूक्लियस ज्यादा होगा साइटोप्लाज्म कम होगा ये साइटोप्लाज्म तो आप देख पा रहे हो ये मेल गेमिट है या फीमेल गेमिट है इसमें क्या है ज़्यादा एरिया न्यूक्लियस कम कवर कर रहा है साइटोप्लाज्म कंपेटिवली mm -hmm. कम है मेल गेमिट में और यहाँ पे साइटोप्लाज्म कंपेटिवली ज़्यादा है जब फ्यूजन होता है तो मेल गेमिट का सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज करता है मेल गेमिट का सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज करता है फीमेल गेमिट का न्यूक्लियस तो फ्यूज करता ही करता है साथ साथ ये जो ऑर्गेनेल्स हैं चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे प्लास्टिड हो वो इसी के रहते हैं फीमेल के मिट के रहते तो इसलिए इसका इनहेरिटेंस कैसा है हाँ मैटरनल है कैसा है मैटरनल ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का इनहेरिटेंस मैटर तो अगर कोई जीन मान लो इसके डीएनए पे लोकेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है और इस पर लोकेटेड है तो उसका इनहेरिटेंस पे असर पड़ेगा अगर आपने पेरेंट्स चेंज कर दिए तो बिल्कुल असर पड़ने वाला है एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं सिचुएशन कंसिडर करते हैं ग्रीन लीव्स और वाइट लीव्स ग्रीन लीव्स हैं और व्हाइट लीव्स हैं और यहाँ पे गेमीट देख लेते हैं इसको आप फीमेल गेमीट मान लो न्यूक्लियस होगा और प्लास्टिड होंगे और ये प्लास्टिड मान लो अगर ग्रीन लीव है तो क्या होगा क्लोरोप्लास्ट होगा क्या होगा क्लोरोप्लास्ट होगा और इसको आप मेल पेरेंट मान लीजिए ये वाइट लीव्स हैं इनका फर्टिलाइजेशन करेंगे जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगी मतलब पहले तो जाइगोड बनेगा फिर ऑफ स्प्रिंग बनेंगी तो जो जाइगोड बनेगा उसमें न्यूक्लियस दोनों के कंबाइन करके क्या बना देंगे डिप्लॉड न्यूक्लियस बना देंगे और यहाँ से क्लोरोप्लास्ट इधर आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आ जाएगा और जब क्लोरोप्लास्ट इधर आ जाएगा तो फर्दर जो जनरेशन होगी उसमें कैसा लीव्स होगा ग्रीन लीव्स होंगे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस कहां से है मैटरनल साइड से है मदर से ठीक है. है अब इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए वाइट लीव्स ये मदर की है और ग्रीन लीव्स ये फादर की है तो ग्रीन लीव्स फादर में क्लोरोप्लास्ट की वजह से हैं। लेकिन इसका साइटोप्लाज्म बहुत कम है प्लास्टिड का जो इनहेरिटेंस होगा वो हमेशा जो प्लास्टिड है तो अब इनहेरिटेंस किसका होगा ल्यूकोप्लास्ट का होगा क्योंकि जो भी प्लास्टिड है उनका से होता है मदर से ही होता है मदर से ही होता है ठीक है तो यहाँ पे जब जायोड बनेगा जो जायोड बनेगा तो 2n की सिचुएशन आ गई न्यूक्लियस तो 2n हो जाएगा और साथ में प्लास्टिक कौन सा आ गया ल्यूकोप्लास्ट आएगा तो ये जो अगली जनरेशन होगी उसकी लीब्स कैसी होंगी व्हाइट लिप्स होंगी तो ये लिब्स में जो कलर इनहेरिटेंस है उसके लिए उसके लिए इस तरह से हमने एग्जाम्पल लिया जो ऑर्गेनेलर जीन के वजह से होता है तो रेसिप्रोकल क्रॉस अगर ऑर्गेनेलर जीन के लिए है तो बिल्कुल अफेक्ट होगा लेकिन अगर ऑटोसोमल जीन्स के लिए है जिस जिस मामले में मेंडल साहब लकी थे अगर वो है तो कोई असर नहीं होगा सेम रिजल्ट्स आएंगे ठीक है तो ये था रेसिप्रोकल क्रॉस ठीक है थैंक यू